अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कैसे पता चला जब बच्ची आपकी गायब हुई थी? जैसे रोज डेली हमने संजय कपड़ा उनके चेंज करी थे सुबेरे एक बार संजय का, तो कहीं खाई कहीं मम्मी तंजी खेल ली हम कहन खेलला, तो हम ना जानत रहे नहीं सो जाए हम कहन खेलला, तो जैसे 20 मिनट में हमारे बच्ची तलवा लगाए अब कौआ लगाए लेटा दिए तो धो ना पी आए हम अपने बच्चा का कहन जाए ले आई उनका जौन बा हाथ गोड़ धोए कपड़ा बदल दी तब फिर ओकरी बाद ही कुछ करी हम देखे ना हमारे बच्चा कहूँ है ये ना सब जगह हियरत थक गए ना मिली तुरंत सब फोन करी तुरंत PSC पढ़ गए लेकिन तब हम ना बच्चा देखानी। तो आपके यहाँ जो घटना हुई है ये किस डेट को हुई है? ये हालत 22 तारीख 4 बजे से हुई 4:30 बजे। मतलब कैसे पता चला कि बच्ची गायब हुई है? हम लोग तो घर पे रहते नहीं, हम दोनों तीनों भाई बाहर रहते थे, हम दोनों भाई अहमदाबाद से 21 तारीख को मेरा वहाँ से टिकट था, मैंने जब गलत 23 तारीख को फैजाबाद रेलवे स्टेशन उतरा तो हमको पता लगा कि आपकी लड़की गायब हो चुकी है। लड़की मतलब कहीं घूमने गई थी या फिर? लड़की कहीं घूमने नहीं थी, घर से खाना खा के सामने सड़क है, सड़क पर घूमने के लिए निकली, उसके 10-15 मिनट बाद उसकी मम्मी जाके ढूंढने लगी लड़की, ढूंढते पर एक आधा घंटा जीता, उसके बाद 1.5 लाख बाद पुलिस के 100 नंबर पर फ़ोन किया गया, फिर प्रशासन वाले उन्होंने अपना छानबीन पूरा किया, कम से कम 3 किलोमीटर के राउंड में गांव के चारों तरफ जितने तालाब गड्ढे बगिया थे सब में ढूंढा, हुआ कहीं कुछ शनाखत नहीं मिली, तब से प्रशासन अभी तक वहां ढूंढ रही लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। 7:15 बजे के आसपास ये बोरी में भरी हुई लाश वहाँ बाहर भोला के घर के बाजू में वहाँ डाली ही मिली। हम लोग आ रहे थे खाना खा रहे थे, उसके बाद खाना खा के बदबू देने लगा, तो हमने सोचा चलो देखते हैं क्या है गंदा दे रहा है, तो आते ही बस हम नज़र ऐसे पड़ी बस हम चिल्लाने तुरंत, उसके बाद पड़ोसी वाले भैया आ गए, बस इतनी ही बात है। आपने सूचना पहले किसको दिया परिवार में? नहीं तो किसी को नहीं बस, तो बॉडी जो पड़ी हुई थी मतलब बोरी? नहीं मैम वो सब नहीं देखी, बोरी में पड़ा। क्या कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह थी? ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों का ऐसा पुरानी दुश्मनी कोई था नहीं, कोई जमीनी विवाद वगैरह नहीं था। तो अभी जो है आप का संदेह मतलब किस तरफ जा रहा है? अभी संदेह उन्हीं के घर तरफ जा रहा, अपने घर पर रहता है जिसके घर से ये लाश का रखने का और सब कुछ सामान मिला हुआ जिसके घर में से, उसी को संदेह जा रहा है। अब आगे बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने देंगे बाद में क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एक लड़का जो है जो कि उसके माँ बाप नहीं थे उस दिन घर में खाली था, वो जिसकी गोद में वो आ जाती थी अक्सर, वो बेसिकली वही इन्वॉल्व है, मुख्य अभियुक्त है OP उर्फ विश्वास। और लेकिन और घर वाले जब जान गए कि इसकी इसने गलती कर दिया है, घटनाकारित कर दिया है, तो लाश को छुपाने उन्होंने सहयोग किया था, इसलिए 201 IPC का अभियोग बनता उनके खिलाफ़ और उसके खिलाफ 302 और 363+ की कार्रवाई की जा रही है। सर कारण क्या रहा है? कारण वही था कि उसने उसको गंदी नीयत से उसको ले गया था और जब वो चिल्लाने लगी तो उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।